अपनी सूरत पे इतराने वाले या तुझे प्यार करना सिखा दूं। अब ये आलम है मेरे जुनू का, अब ये आलम है मेरे जुनू का, मैं जिसे चाहे लैला बना दूं। हेलो गाइस, तो आप लिरिक्स वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आइए हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले अपना VN ऐप ओपन कर लेंगे, इसे स्किप कर देंगे, ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस फोटोज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे, ये ब्लैक फ़ोटो ले लेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, ये वाटर मार्क है, इसे डिलीट कर देंगे। अब हम इसे अपने गाने के हिसाब से बढ़ा लेंगे, तो हम इसे ले लेते हैं 14 सेकेंड। 14 सेकेंड हो गया ये। वापस आके ये म्यूज़िक वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये म्यूजिक है, ये 13 सेकंड का। उसके बाद हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो सबसे पहला वर्ड है इसमें 11, तो हम इसे अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे, कितना बड़ा रखना है हमें। उसके बाद ये राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, इसमें से हम अपने हिसाब से इमोजी ले लेंगे। तो हम इसमें रोज़ वाला ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये कीबोर्ड से दूसरा ऑप्शन है FF, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें से हम देख लेंगे कैसी हैंडराइटिंग चाहिए, ये वाली, तो हम इसमें से ये वाली ले लेते हैं। तो उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये आ गई। उसके बाद ये मोशन पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन एडिट के बाद मोशन पर क्लिक करके हम इसमें से अपने से इसमें ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद हम इसे देख लेंगे कहाँ पर ख़त्म होता है, तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये इस पर क्लिक करके यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन पर वापस इस पर क्लिक करेंगे, इसे हटा देंगे, अब आगे लिखेंगे। अपने सूरत पे, उसके बाद ये वापस सर्च पे क्लिक करेंगे, इसमें आ जाएंगे हम, ये हार्ट वाला इमोजी ले लेंगे। ये ग्लिच की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आ जाएगा ये। ये राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसे तो हम इसमें ले लेंगे कहाँ पर रुक रहा है, तो हम ये यहाँ से ले लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के ये कट कर लेंगे, फिर ये आगे आ जाएगा। इसे हम पूरा बढ़ा लेंगे अपने गाने के हिसाब से, यहाँ तक ये आ गया, वापस आ जाएंगे, अभी देख लेंगे कहाँ पर ख़त्म है। अपनी सूरत पे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट करेंगे, फिर आगे का लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें ये इमोजी वाला ऑप्शन लेंगे, इसमें से हम अपने हिसाब से इमोजी ले लेंगे, इसमें से कौन सा इमोजी लें, ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद इसे राइट क्लिक कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद हम इसे यहाँ से अगले पे आ जाएंगे, ये थोड़ा सा खिसका लेंगे, खिस कर लेंगे, इसे हटाएंगे, LELA लेला इमोजी आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला नहीं हम लेंगे, इसमें
ये वाला ले लेते हैं, ये यहाँ से इसे कट करके इसे डिलीट कर देंगे आगे वाले को, और इसे भी, ये हमारा आ गया पूरा। अब इसे हम सिल लेंगे। अपनी सूरत पे रहने वाले आ तुझे प्यार करना सिखा दो, अब ये आलम मेरे जुनू का, अब ये आलम मेरे जुनू का, मैं जिसे चाहे लेना बना दूँ। अब हम इसे ऊपर ये नीले वाले आइकन पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये क्लिक, हाँ तो हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अब हम दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये नोडी वीडियो, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको। और ये एप्लीकेशन बहुत हैंग करता है तो एक बार देख लेना अपने हिसाब से। ये न्यू पे क्लिक करेंगे, ये रेड कलर का प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, मीडिया पे आएंगे, वीडियो पे आएंगे। इस पर आने के बाद हमारी वीडियो यहाँ आ चुकी है, ये रही, ये क्लिक कर लेंगे इसे हम, ये हमारी वीडियो आ गई यहाँ पर। उसके बाद ये हम यहाँ पे इसे देख लेंगे अब, तो नीचे वाइट कलर का प्लस का आइकन है ऑडियो के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ग्लो सर्च करेंगे, ग्लो। उसके बाद ये नीचे बीच में आ रहा है सबसे नीचे ग्लो स्क्रीन के नीचे ग्लो, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया। ये इंटेंसिटी है, इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना, कितनी ज़्यादा कितनी कम चाहिए। तो हम इसे अपने हिसाब से ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। और ये थ्रेशोल्ड है, इसको हम देख लेंगे ये कितना लेना है, इसको हम ले लेंगे, इतना ले ले रहे इसको। उसके बाद ये कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हम रेड कलर ले लेंगे, ये रेड कलर आ गया हमारा। उसके बाद इसे एक बार प्ले, तुझे प्यार करना सिखा दो, अब ये आलम मेरे जुनू का, अब ये आलम मेरे जुनू का, मैं जिसे चाहे लेना बना दूँ। ये हमारी वीडियो आ गई है। उसके बाद ये नीचे कोने में एरो दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सबसे नीचे वाली है, इसे वेरी हाई पे कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन डाउनलोड होने में बहुत टाइम लेगा क्योंकि ये हैंग करता है, तो अपने हिसाब से देख लेंगे।